नमस्कार दोस्तों दोस्तों चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड का टॉपिक 3। आज हम डिस्कस करेंगे फोर इम्पोर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, फिर उसके बाद स्टॉपलर सैमुएलसन थ्योरम, फिर मैटज़लर पैराडॉक्स और लास्ट में हम करेंगे लर्नर सिमेट्री थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर वन पॉइंट से। नंबर वन पॉइंट या नंबर वन टॉपिक है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन सबसे पहले दिया था सैमुएलसन ने 1948 में, और उसके बाद लर्नर ने दिया था 1953 में। और ये दो ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जो कहते थे कि देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्राइस। बाकी जितने भी इकोनॉमिस्ट थे वो बात करते थे पार्शियल इक्वलाइजेशन की, तो ये बात करते थे कंप्लीट इक्वलाइजेशन की। और फैक्टर प्रोडक्शंस मोबाइल होंगे, बल्कि जो एचओ की थ्योरीज थी या फिर क्लासिकल की थ्योरी थी वो कहते थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ई मोबाइल होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ओके, द प्रेशर ऑफ इंटरनेशनल डिमांड ब्रिंग द अबंडेंट फैक्टर स्केयर्स एंड प्राइस स्टार्ट राइजिंग। ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। ये कहते हैं द प्रेशर ऑफ इंटरनेशनल डिमांड, देखो जब इन डिमांड ज़्यादा होगी ब्रिंग द अबंडेंट फैक्टर स्कार्स, मतलब जो अबंडेंट फैक्टर है, जो ज़्यादा फैक्टर है, मान लो आपके पास लेबर ज़्यादा है तो एक बार आपकी लेबर कम होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? अगर दूसरी कंट्री में लेबर की डिमांड बढ़ गई तो लेबर आपकी कंट्री से वो इंपोर्ट करेगी, तो आपकी कंट्री से लेबर एक टाइम ऐसा आएगा जो अबंडेंट फैक्टर, जो अबंडेंट लेबर थी आपकी, एक बार कम रह जाएगी। और जब अबंडेंट थी उसके प्राइस कम थे, और जब स्केर्स रह जाएगी, कम रह जाएगी, तो आपके जो प्राइजेस हैं वो भी लेबर के प्राइजेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ओके, और एज कंटिन्यू इम्पोर्ट ऑफ स्कार्स फैक्टर इट विल डिक्रीज द प्राइस ऑफ द स्केर्स फैक्टर। बिल्कुल ठीक कह रहा है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। ये कह रहे हैं अगर कंटिन्यू इम्पोर्ट करोगे स्कार्स फैक्टर का, मतलब कैपिटल इंडिया में कम है, हम लगातार उसका इम्पोर्ट करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा इट विल डिक्रीज द प्राइस, डिक्रीज प्राइस ऑफ स्कार्स फैक्टर। स्कार्स फैक्टर की प्राइस डिक्रीज इसलिए जब हम लगातार कैपिटल इंपोर्ट करेंगे अपनी कंट्री में, तो एक टाइम ऐसा आएगा जो स्कार्स फैक्टर है वो अबंडेंट बन जाएगा, मतलब जो थोड़ा है हम उसको लगातार इंपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा बन जाएगा। तो जो चीज़ ज़्यादा होती है, अवेलेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है, उसके प्राइस हमेशा कम होते हैं, तो स्कार्स फैक्टर के प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों फैक्टरों के प्राइस इक्वलाइज हो जाएंगे। दिस प्रोसेस बिलिंग इक्वालिटी इन टू फैक्टर प्राइजेस, मतलब लेबर और कैपिटल के जो प्राइजेस हैं उनमें समानता आ जाएगी या फिर इक्वालिटी आ जाएगी, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू। फैक्टर्स आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में ये अच्छी तरह इसको टॉपिक को डिस्कस किया था। और फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर प्रोडक्शन जितने भी हैं मोबाइल हैं इसलिए फ्री मूवमेंट होगी, और ये अगेन ये मॉडल है 2 × 2 × 2 मॉडल है। इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन बोथ कंट्री प्रोड्यूस बोथ कमोडिटी। देखो स्पेशलाइजेशन होने का मतलब ये है किसी कंट्री सिर्फ एक प्रोडक्शन का ही, एक कमोडिटी का ही प्रोडक्शन कर रही है अच्छी तरह से, लेकिन अगर स्पेशलाइजेशन नहीं है तो कंट्री दोनों को ही प्रोड्यूस करेगी और वो दोनों में ही स्पेशलाइज्ड नहीं है, तो इसलिए ये 2 × 2 मॉडल है, दैट इज़ टू कंट्री टू कमोडिटी एंड टू फैक्टर मॉडल। और उसके बाद बोथ कंट्री कैन नॉट एक्सपोर्ट सेम प्रोडक्ट टू इच अदर, एक दोनों कंट्री एक ही कमोडिटी का एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। और सेकंड वन डिस्कस हम करते हैं स्टॉपलर सैमुएलसन थ्योरम। स्टॉपलर सैमुएलसन थ्योरम, ये थ्योरम डील करती है चेंज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से। यहाँ पे चेंज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ सैमुएलसन का नाम आता है क्योंकि सैमुएलसन ने थ्योरी दी थी चेंज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू देम फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड इंटरनेशनल ट्रेड वुड बेनिफिट द अबंडेंट फैक्टर एंड हर्ट द रिलेटिवली स्कार्स फैक्टर। मतलब यहाँ पे दो टॉपिक हैं इनको समझने वाली है। ये कहता है अनरिस्ट्रिक्टेड इंटरनेशनल ट्रेड, जब तो इंटरनेशनल ट्रेड फ्री इंटरनेशनल ट्रेड है तो अबंडेंट फैक्टर, जिसके पास ज़्यादा फैक्टर है वो फायदे में रहेगा, और जो जिसके पास कम फैक्टर है, स्कार्स फैक्टर है, वो उसको नुकसान होगा। अब दूसरा पॉइंट, अगर टैरिफ इम्पोज कर दें फ्री ट्रेड में तो अबंडेंट फैक्टर को फ़ायदा होगा, लेकिन अगर टैरिफ इम्पोज हो जाता है तो उल्टा हो जाएगा केस। तो यहाँ पे टैरिफ इम्पोज हो गया है, अब रियल रिटर्न ऑफ स्कार्स फैक्टर नेशन इंक्रीज हो जाएगा और अबंडेंट फैक्टर
वुड सफ़र, मतलब साफ है कि टैरिफ इम्पोज करने से जो कंट्री अबंडेंट है उसको नुकसान होगा और जो स्कार्स है उसको फ़ायदा होगा। और इस थ्योरी को हम कहते हैं द इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन फैक्टर प्राइस भी कहते हैं। ओके, एज अ कंक्लूजन के तौर पे ये यही कहेगा, टैरिफ बेनिफिट द स्कार्स फैक्टर एंड हर्ट द अबंडेंट फैक्टर। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड, मैटज़लर पैराडॉक्स। मैटज़लर पैराडॉक्स क्या है? एक विरोधाभास है, एक कंट्राडिक्टरी थ्योरी है। कंट्राडिक्टरी किसकी? स्टॉपलर सैमुलसन की, और ये 1949 में मैटज़लर ने ये डेवलप किया था। अब मैटज़लर के हिसाब से क्या है, अकॉर्ड दैट इज इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ वुड इम्प्रूव टर्म्स ऑफ ट्रेड, बिल्कुल ठीक है, ये होता ही है। और उसके बाद एंड रेज द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का रेशियो बढ़ जाएगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ेंगे और जो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का जो रेशियो है वो बढ़ेगा। और तीसरा है, मैटज़लर स्टेट दैट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्पोजिंग ऑफ टैरिफ बिकम फेवरेबल टू अबंडेंट फैक्टर एंड अनफेवरेबल टू स्कार्स फैक्टर। देखो ये विरोधाभास है स्टॉपलर सैमुलसन का, इसीलिए ये अगेंस्ट बात करेगा या फिर उल्टी बात करेगा सैमुलसन के। अब ये कहता है टैरिफ इम्पोज करने से जो अबंडेंट फैक्टर है उसके फेवरेबल में रहेगा और जो स्कार्स फैक्टर है उसके लिए अनफेवरेबल हो जाएगा टैरिफ। तो ये जस्ट अपोजिट है। और ये कहता है इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेबल कमोडिटी, बिल्कुल ठीक है, होता ही है। अगर टैरिफ इम्पोज होंगे तो होम जो डोमेस्टिक इम्पोर्ट, जो इम्पोर्ट क्वांटिटी है, इम्पोर्ट कमोडिटी है, उसके प्राइजेस बढ़ जाते हैं, बट डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी फॉल, लेकिन जो डोमेस्टिक प्राइस है सेम कमोडिटी का वो फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा। और ये थ्योरी हम ये भी कहते हैं, दिस थ्योरी इज ऑल्सो नॉन एज द इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन डोमेस्टिक प्राइस। और लास्ट में है लर्नर सिमेट्री थ्योरम। ए बी लर्नर ने थ्योरी दी थी सिमेट्री थ्योरम। सिमेट्री क्या होता है? जब दो चीज़ें बराबर हों। अब वो दो चीज़ें बराबर कौन सी हैं? पहली चीज़ है एड वलरम टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट और दूसरी है एड वलरम टैरिफ ऑन इम्पोर्ट, विल हैव सेम इफेक्ट, दोनों में या दोनों के सेम इफेक्ट होंगे। एड वलरम टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट और एड वलरम टैरिफ ऑन इम्पोर्ट के सेम इफेक्ट होंगे। इफ़ टैक्स इम्पोज ऑन एक्सपोर्ट, जब एक्सपोर्ट पर टैक्स इम्पोज होंगे देन डोमेस्टिक प्राइस ऑफ इम्पोर्टेबल गुड्स विल रिमेन सेम एज वर्ल्ड प्राइस। तो टैक्स इम्पोज होने से जो डोमेस्टिक प्राइस हैं वो सेम रहेंगे जैसे ही वर्ल्ड प्राइस हैं वैसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, इम्पोज्ड एड वलरम ड्यूटी, अब एड वलरम ड्यूटी इम्पोज कर रहे हैं इम्पोर्ट पे, वुड लीड टू इंक्रीज इम्पोर्टेबल प्राइस, बिल्कुल ठीक है, इम्पोर्ट प्राइस इंक्रीज होगा बट प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी इन द वर्ल्ड मार्केट वुड डिक्रीज, और सेम कमोडिटी का वर्ल्ड मार्केट में प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और नेक्स्ट वन, यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाले हैं। एक चीज़ है ऑप्टिमम एक्सपोर्ट टैक्स एक्सप्लॉयड या फिर एलिमिनेट द मोनोपोली पावर ऑफ द कंट्री इन द एक्सपोर्ट गुड्स मार्केट। जैसे ही हम एक्सपोर्ट टैक्स इम्पोज करेंगे तो ये जो मोनोपोली पावर चल रही है जो कंट्री में एक्सपोर्ट गुड्स में वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब टैक्स इम्पोज हो रहे हैं तो मोनोपोली पावर एक्सपोर्ट में ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, अगर ऑप्टिमम इम्पोर्ट टैरिफ एलिमिनेट करेगा, एलिमिनेट या फिर एक्सप्लॉयड द मोनोपोली पावर ऑफ कंट्री इन द इम्पोर्ट गुड्स मार्केट। तो ये दो चीज़ें भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। इफ़ देर इज सिमेट्री बिटवीन सब्सिडी ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, मतलब जब एक्सपोर्ट पे भी और इम्पोर्ट पे भी सेम सब्सिडी मिलेगी तो दिस विल रिड्यूस द इम्पोर्टेबल प्राइस, तो इम्पोर्टेबल प्राइस कम हो जाएंगे एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, और ट्रेड का वॉल्यूम मतलब जो आकार है, जो साइज है ट्रेड का, वो बढ़ जाएगा। नाउ बोथ काइंड ऑफ सब्सिडी इन द लार्ज कंट्री विल रिड्यूस द वेलफेयर, बिल्कुल ठीक है, जितना ही हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे वो वेलफेयर को रिड्यूस करेगा, इसलिए WTO ने सब्सिडी को डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए बैन कर दिया है। चलो अब हम लास्ट में डिस्कस करते हैं यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ। टैरिफ्स के इफेक्ट शॉर्ट रन में भी होते हैं, मीडियम टर्म्स में भी होते हैं और लॉन्ग रन में भी होते हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ टैरिफ इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में टैरिफ इम्पोज करोगे तो इम्पोर्टेबल गुड्स के प्राइस तो इंक्रीज होंगे ही होंगे, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरा, कैपिटल लेबर रेशियो कॉन्स्टेंट रहेगा और रियल इनकम शिफ्ट हो जाएगी। रियल इनकम शिफ्ट होगी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री टू फैक्टर यूज इन इम्पोर्ट कॉम्पिटिंग इंडस्ट्री। ये एक बार नेट एग्जाम में आया भी था। तो इनकम शिफ्ट हो रही है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से लेके इम्पोर्ट कॉम्पिटिंग इंडस्ट्री में। और फैक्टर प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ई मोबाइल रहेंगे, मतलब गतिहीन। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज फैक्ट इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ इन मीडियम टर्म। मीडियम टर्म्स में अगर हम टैरिफ इम्पोज करेंगे तो इससे क्या होगा, इंक्रीज द रियल रिटर्न ऑफ कैपिटल टू इम्पोर्ट कॉम्पिटिंग सेक्टर। इम्पोर्ट कॉम्पिटिंग सेक्टर की इनकम बढ़ जाएगी और जो रियल रिटर्न टू कैपिटल टू एक्सपोर्ट सेक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब डिक्लाइन इन रियल रिटर्न ऑफ कैपिटल टू एक्सपोर्ट सेक्टर। और इसमें कैपिटल लेबर रेशियो क्या रहेगा, डिक्लाइन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टैरिफ इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में टैरिफ इम्पोज करेंगे तो इससे रियल रिटर्न ऑफ अबंडेंट फैक्टर तो फॉल हो जाएगा और स्कार्स फैक्टर विल राइज। बिल्कुल ठीक है, अगर टैरिफ इम्पोज होने से अबंडेंट फैक्टर को नुकसान और स्कार्स फैक्टर को फ़ायदा होगा, तो जैसे स्टॉपलर सैमुअलसन ने कहा था वैसे। और इसके बाद जो कैपिटल लेबर रेशियो है ये इंक्रीज हो जाएगा और फैक्टर प्रोडक्शन मोबाइल रहेंगे। तो दोस्तों, इंटरनेशनल टॉपिक 3 में ये थे कुछ 4 और 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 4, हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ कस्टम यूनियन के बारे में। कस्टम यूनियन में हम बात करेंगे फ्री ट्रेड एरिया, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।